नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आयुर्वेदिक के अंदर एक गोली, गोली का नाम ही बहुत प्यारा है, नाम है आनंददाता गोली, यानी कि आनंद को देने वाली गोली। ये गोली किस तरह बनती है, क्या कंटेंट है, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मैं जो नुस्खे दे रहा हूँ अति प्राचीन ग्रंथों के दे रहा हूँ। तो अगर आप बाज़ार में आनंददाता गोली के नाम से जाएंगे तो मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है, घर पे भी तैयार की जा सकती है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं। अब आप सुनिए, इसके जो कमज़ोर आदमी होता है तो छाती पकड़ के और चलने फिरने की उसकी हिम्मत नहीं रहती, ऐसे दोनों हाथों से छाती को यूं बांध के धीरे धीरे चलता है। इस तरह की भी कमजोरी होती है, समझने की बात है ये। तो ये आनंददाता गोली उसकी ये समस्या ठीक कर देती है। इसके अंदर जो कंटेंट्स हैं, एलवा 4.5 मासा, निशोत 5.25 मासा, काला दाना 2.25 मासा, गोरोचन 2.25 मासा, इंद्रायन के फल का मगज 6 रत्ती 2.25 तोला, अजमोदा के रस में, यानी कि अजमोदा अजवाइन को ही कहते हैं, उसका दूसरा एक जैसी होती है, उसके रस के अंदर इनको मिला करके और चने के बराबर गोलियां बना लेनी चाहिए। एक गोली सुबह के वक़्त गुनगुने पानी से, ये लिखता है कि इस गोली का गुण इतना है कि वर्णन करने योग्य नहीं। बोलो आप क्या करें, जो लिखा है वही तो मैं बोलूँगा। तो एक गोली सुबह और एक गोली रात को गुनगुने पानी या दूध से लें, इससे आपका पेट बिल्कुल साफ रहेगा, आपके शरीर के अंदर ताकत आएगी और कब्जियत होने का तो सवाल ही नहीं, और आपका पेट रहेगा रेशम की तरह। इसीलिए इसका नाम आनंददाता गोली है। जब कब्जियत नहीं रहेगी तो शरीर में कोई बीमारी ही नहीं रहेगी। इसके कंटेंट्स कोई दुर्लभ नहीं, कोड़ियों की दवा है, आप इसे घर पे बना सकते हैं और इसका प्रयोग 1 महीना कर सकते हैं, 18 से 70 साल तक के, इसका कोई दुष्प्रभाव शरीर के अंदर नहीं। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए।